हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एवर्शन पील यूज़ किए हैं गर्भपात करने के लिए, तो एवर्शन यानी कि गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं, आप इसे कैसे जान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एवर्शन यानी कि जो गर्भपात होता है वो तीन तरह का होता है। एक है स्पॉन्टेनियस एवर्शन, जो कि अपने आप नेचुरली हो जाता है। दूसरा है मेडिकल एवर्शन, जैसे कि आप अगर कोई पील लेकर करते हैं। तीसरा होता है जो सर्जिकल एवर्शन, जिसमें कि डॉक्टर सर्जरी के थ्रू आपका एवर्शन करवाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एवर्शन, यानी कि अगर आपने कुछ हार्मोनल पील्स लेकर एवर्शन किया है, उसके बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका एवर्शन पूरा हुआ है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गर्भपात या फिर एवर्शन करना चाह रहे हैं, तो हमेशा ही एक डॉक्टर की निगरानी में या फिर सलाह से ही एवर्शन करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो बच्चा है वो यूटरस में इम्प्लांट ना होकर फैलोपियन ट्यूब या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी और पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है, जिसको कि हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो अगर आप बिना डॉक्टर के निगरानी में एवर्शन पील खुद ब खुद ले लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो आपको जान को भी खतरा हो सकता है। सो इसीलिए हमेशा ही जो एवर्शन पील है वो डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। सो चलिए हम जानते हैं कि एवर्शन पील लेने के बाद आपका गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं, आप कैसे जान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एवर्शन पील होता है, जैसे कि एमटीपी पीट हुआ या फिर अनवांटेड किट हुआ, उसमें 5 गोली होते हैं। एक बड़ा गोली होता है और 4 छोटे गोली होता है। जो बड़ा गोली है वो पहले लेना होता है और जो 4 गोली है उसको बाद में लेना होता है। अगर 4 छोटी गोली लेने के बाद आपको महावारी के तरह ब्लीडिंग हो रहा है और आपका जो यूटरस का कुछ लाइनिंग या फिर गर्भस्थ का शिशु का कुछ लाइनिंग या फिर कुछ अंश उसमें जा रहा है, तो लगभग आपका गर्भपात पूरा होने का पूरा चांस है। ब्लीडिंग होने के साथ साथ अगर आपका पेट में जो ऐंठन हो रहा था या फिर जो खून आ रहा था, उसका क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो ये एबॉर्शन कंप्लीट होने का या फिर गर्भपात पूरा होने का संकेत है। दूसरा जो संकेत है जिसे आप पता कर सकते हैं कि आपका एबॉर्शन पूरा हुआ है नहीं, वो है कि जो प्रेगनेंसी के जो सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आपका मतली होना या फिर उल्टी होना या फिर आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर स्तनों में भारीपन, वो एबॉर्शन पील के लेने के बाद धीरे धीरे कम होने जा रहा है। 2 हफ्ते तक वो बिल्कुल भी कम होते जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा संकेत माना जाएगा कि आपका एबॉर्शन शायद पूरा हो गया है। अगर एबॉर्शन पील लेने के 2 हफ्ते के बाद भी गर्भावस्था के सारे लक्षण आपको नगर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा जो वे है जिसे आप पता कर सकते हैं कि आपका गर्भपात पूरा हो गया है, वो है प्रेगनेंसी किट। आप प्रेगनेंसी किट का यूज़ करके भी जान सकते हैं कि आपका जो गर्भपात पूरा हुआ है या फिर नहीं। पील खाने के 4 हफ्ते तक अगर आप प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करेंगे, तो आपका जो टेस्ट वो पॉजिटिव आने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन पील खाने के 4 हफ्ते के बाद अगर आप टेस्ट करते हैं और उसमें एक पिंक लाइन या फिर नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो इसका मतलब आपका गर्भपात पूरा हो गया है। और जो एक संकेत जिसे आप पूरा कन्फर्म हो सकते हैं कि आपका गर्भपात पूरा हो गया है, वो है कि गर्भपात होने के यानी कि पील लेने के 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपका जो पीरियड साइकिल है या फिर आपका जो महावारी वो शुरू हो जाना चाहिए। अगर पील लेने के 4 से 6 हफ्ते के बाद भी आपका महावारी या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपका गर्भपात अभी भी पूरा नहीं है। तो इस क्षेत्र में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि गर्भपात पूरा हुआ है नहीं, ये सब संकेत से आप जान सकते हैं। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।